कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह द्वारा जींद हरियाणा में कल रैली की जा रही है। कांग्रेस पार्टी अमित शाह के हरियाणा पहुंचने पर कुछ सवाल उनसे पूछना चाहती है, जो कि हरियाणा की महिलाओं और बेटियों से जुड़े हुए हैं। चित्रा ने मीडिया के जरिए अमित शाह से सवाल पूछते हुए कहा कि पिछले महीने ही साल की शुरुआत से होने से पहले 10 दिन के अंदर 8 घिनौनी वारदातें महिलाओं व बच्चियों के साथ हुई हैं। उनमें से कई जगह तो बच्चियों को बड़ी दरिंदगी से मार दिया गया। हम आशा करते हैं कि अमित शाह जो 1 लाख मोटरसाइकिल की सेना लेकर सड़कों पर उतरेंगे, वो उन परिवारों, इलाकों और जिलों में जरूर जाएंगे जिनके साथ ये वारदातें हुई हैं। उन वारदातों में अब तक क्या प्रक्रिया व कार्यवाही चली है, उसको भी जानने की कोशिश अवश्य करेंगे। आज हरियाणा में महिलाओं व बच्चियों की दशा ये है कि रोज 6 से ज्यादा छेड़छाड़ व यौन शोषण की घटनाएं होती हैं। यहां तक कि आज हरियाणा गैंग रेप कैपिटल का खिताब भी कमा चुका है। चित्रा ने कहा कि क्या भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में महिला सुरक्षा को प्रमुख प्राथमिकता दी थी। वह यह कहा गया था कि भाजपा सरकार द्वारा महिलाओं से जुड़ी सभी संस्थाओं व कॉलेजों के बाहर पुलिस तैनात की जाएगी व CCTV कैमरे लगवाए जाएंगे। क्या यह कार्य हुआ, और अगर हुआ तो कितना? क्या इस पर अमित शाह का कोई संज्ञान लेंगे? भाजपा ने कहा था कि हर जिले में एक महिला थाना होगा, परंतु आज तक कोई खबर नहीं कि यहाँ पे स्थापित किए गए और उन्होंने क्या कार्य किए। जो निर्भया फंड लगभग 3400 करोड़ जारी किए गए थे, क्या उसमें से केवल 25% पैसा ही उपयोग किया गया? क्या आम लोग गाँव में रह रही महिलाओं व बच्चियों को कोई सुरक्षा नहीं? क्या उन्हें निर्भया फंड से कोई सहायता नहीं? निर्भया फंड को पिछले 2 बजट से आधा कर 500 करोड़ कर दिया है। इसमें से भी 2013 से जुड़े 4100 करोड़ में से भी 25% भी इस्तेमाल नहीं हुआ। और सरकार ने अब घोषणा की है कि निर्भया फंड को पहले सेफ सिटी के तहत 8 नगर महापालिकाओं पर खर्च किया जाएगा और फिर बाकी की राशि प्रदेशों में बांटी जाएगी। अंबाला से कृष्ण बाली, आजाद TV न्यूज। क्या जो झांसा में या करनाल में या किसी गरीब तबके में रह रही बेटी या माँ है, क्या वो सुरक्षा को डिजर्व नहीं करती? क्या उसको नहीं मिलनी चाहिए? निर्भया फंड पे क्या उसका हक नहीं है? क्या ये महिला सुरक्षा को भी बुटीक प्रोजेक्ट बना देंगे? देश की डेवलपमेंट करने वाले स्मार्ट सिटीज पे आ गए थे और स्मार्ट सिटीज को उन्होंने स्मार्ट सेक्शन बना दिया था। गुड़गांव की अगर आपको पता हो तो 2-3 सेक्टर्स की बात हो रही थी कि इन्हीं को स्मार्ट कर लिया जाए, तो सुरक्षा भी क्या एक बुटीक प्रोजेक्ट बन के कहीं पर रह जाएगी? हम चाहते हैं ये 2 शब्द इस बात पर भी बोलें जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं से वादे करे थे। इन्होंने कहा था महिला सुरक्षा को लेके हम हर महिला संस्थान के बाहर पुलिस कर्मी खड़े करेंगे और CCTV कैमरास लगाएंगे। उसके ऊपर कुछ 2 शब्द बोले, क्या हुआ है उसका? इन्होंने कहा था कि जो महिला, जो जितनी भी हमारी यहाँ पे बेटियां हैं, उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट 2013 में स्टैब्लिश हुए थे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है, वो कितना काम कर रहे हैं, वो चल भी रहे हैं कि नहीं, उस पर ये कुछ बोलेंगे? जो इन्होंने हर जिले के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पर पूर्ण तरह से महिलाओं के पुलिस स्टेशन होंगे, उस पर क्या हुआ है? अब ये जो फंड्स को डाइवर्ट कर रहे हैं, फंड्स को हटा रहे हैं, जब महिला को दिखाना हो तो बजट भी पिंक हो जाता है राष्ट्रीय उसका। लेकिन जो यहाँ पर आकर ये युवाओं को साथ लेकर एक जो है, एक मैं आपसे कहूँगी कि पुरुष प्रधान रैली निकाल रहे हैं, यहाँ पे जो महिलाएं खड़ी साइड में, उनको कब जवाब देंगे?